हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 7 दी ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। आपने सेंस और सेंस ऑर्गन्स के बारे में इससे पहले आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के सिस्टम के बारे में। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी वर्क टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हमारे सेल से ही क्या बनते हैं, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो आप देख रहे हो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप कंप्यूटर देखते हो, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कंप्यूटर को प्रॉपर तरह से वर्क करने में वो हेल्प करते हैं। हर पार्ट का अपना अलग अलग वर्क होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है, और वो पर्टिकुलर वर्क उनको करना होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। देर आर 8 मेन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल मेन 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इनमें से सबसे पहले देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपके 8 सिस्टम्स हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट्स। आप देख रहे हो ये पूरा ढांचा, ठीक है, इसमें ये पूरे आपका बोन्स जो जॉइंट है ये सारा आपका स्केलेटल सिस्टम में आता है। यहाँ पे आप देखोगे कई जगह हमारे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स की वजह से ही हम मूव कर सकते हैं। जहाँ से ये जॉइंट्स होते हैं वहीं से हम मूव कर सकते हैं। देयर आर 206 बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में टोटल बोन्स कितने होते हैं, 206, और एक दूसरे से जुड़कर ये बोन्स स्केलेटन बनाते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड अलाउ अस टू मूव। ये हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। अगर ये हमारे अंदर नहीं होंगे, हमारे बोन्स नहीं होंगे, तो हम जेली की तरह ज़मीन पर पड़े रहेंगे। स्केलेटन प्रोटेक्ट ऑल दी सॉफ्ट ऑर्गेन इन साइड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स को एक तरह से क्या करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। द बैकबोन सपोर्ट आवर बॉडी। जैसे बैकबोन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी तो हम सीधे बैठ भी नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे। द रिबकेज प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट। जो हमारा रिबकेज होता है वो हमारे दिल को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड द स्कल, जो हमारा स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को और हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है। अब आप सोचो, विदाउट इट वी वुड सिंपली बी अ पाइल ऑफ जेली लाइंग ऑन द फ्लोर। और अगर आप इमेजिन करो कि अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं हो तो हम बिल्कुल एक जेली की तरह ज़मीन पे पड़े होंगे, ना हम मूव कर पाएंगे और ना हमारे अंदर कोई शक्ति होगी। मेंटेनिंग अ हेल्दी फंक्शनिंग स्केलेटन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें अपने स्केलेटन को प्रॉपर वर्क रखना चाहिए। सो ऑलवेज इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज। तो अगर आपको अपने स्केलेटन को प्रॉपर फंक्शनल करना है तो इसके लिए आपको प्रॉपर किसकी ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की। जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसमें हमें एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड वी ईट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस नोन एज न्यूट्रिएंट्स। जो खाना आप खाते हो उसको सिंपलर सब्सटेंस में जो लिया जाता है, उससे एनर्जी जो ली जाती है उसे हम उससे न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो ये प्रोसेस होता है फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का, इसे ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन किसकी वजह से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन्वॉल्व मोर देन वन ऑर्गन। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। आप देख रहे हो, आप मुँह से आपने खाना लिया, फूड पाइप के द्वारा वो आपके स्टमक में गया, स्टमक के द्वारा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में जाके बाहर निकलता है। तो ये आपका क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आता है आपका मस्कुलर सिस्टम। थ्री टाइप्स ऑफ मसल हमारे पास, थ्री टाइप्स ऑफ है। एक होता है स्मूथ, एक होता है कार्डियक, और एक होता है स्केलेटल। स्मूथ मसल जो है वो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में पाए जाते हैं, कार्डियक हमारे दिल के पास पाए जाते हैं, और स्केलेटल जो होते हैं वो अटैच टू बोन्स, बोन्स से अटैच होते हैं। द मस्कुलर वर्क सिस्टम वर्क विद द स्केलेटन सिस्टम टू प्रोवाइड मूवमेंट। ये मसल जो हैं वो हमारे बोन्स से अटैच होकर फिर ही वर्क कर पाते हैं। वॉलंटरी मसल्स मूव अंडर योर कंट्रोल। वो मसल जो आपके कंट्रोल में है, जैसे स्केलेटल मसल, बाइसेप,
इनवॉलंटरी मसल डेट मूव विदाउट योर कंट्रोलिंग स्मूथ एंड कार्डियक एंड समथिंग स्केलेटल, जैसे आईज ब्लिंकिंग, वो आपके आपके ऊपर नहीं होता है, आईज आपकी ब्लिंक हो जाती हैं, तो इसे ही हम इनवॉलंटरी कहते हैं। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स, टेंडन्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर ब्रीथिंग टू टेक इन ऑक्सीजन नीडेड बाय द बॉडी एंड गिव आउट अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू एयर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया, आप सांस ले रहे हैं नाक के द्वारा, वो आपके फूट आपकी विंड पाइप से वो आपके लंग्स में जाती है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हैं वो बाहर निकलता है। तो ये जो आप ले ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आता है आपका नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो क्या क्या चीज़ें मिलकर बनाती है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द ब्रेन इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन। Overseeing all the function of the body by sending and receiving message. और यही हमारे पूरे दिमाग, जो दिमाग है वो हमारी पूरी बॉडी को मैसेज देने का काम करता है। It receives message from your body and the world around you and then figures out how to react to the information. आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया और आप एकदम से हाथ हटा लेते हो, क्यों, क्योंकि आपको दिमाग मैसेज देता है कि ये चीज़ गर्म है, आपको हाथ हटाना है, और ये काम इतनी स्पीड अप होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। दिस सिस्टम हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स सच एज हियर, टच, टॉक, वॉक एक्सेट्रा। और इसी सिस्टम के द्वारा आप जो भी आप काम कर पा रहे हैं, सुनने का, टच करने का, वॉक करने का, ये सारा आप नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, जो कि हार्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव फूड एंड अदर गैसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। इट ऑल्सो ब्रिंग बैक द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू बी थ्रोन आउट, और वेस्ट पार्ट को ही लेकर आता है जिससे कि वो उसको बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ वेस्ट डेट नीड टू बी थ्रोन आउट। हमारी बॉडी जो है वो लॉट ऑफ वेस्ट ऐसा होता है जिसको कि बाहर निकालना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, वो उस वेस्ट को निकालने का काम करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। द किडनीज आर द ब्लड फिल्टर, जो किडनीज होती हैं, इसलिए देखते हैं आप किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। डेट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वो हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये आपका क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अब आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल लिविंग वी रिप्रोड्यूस लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सभी जो भी लिविंग थिंग्स है वो नए बेबीज को जन्म देते हैं, इसे ही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। दिस ऑर्गन सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज सो डेट लिविंग बींग कॉन्टिन्यू देयर स्पीशीज। इससे क्या होता है, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो ख़त्म नहीं होती है और उन जैसे और भी लोग होते हैं। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये समझ आ गया, ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी समरी में बताई हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इनको आप और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।